जो मनुस्मृति है उसमें लिखा हुआ है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारों के ताड़ों के अधिकारी यानी पीटने के दुत्कारने के इसके अधिकारी हैं, यानी इन्हें ऐसे किया जाना चाहिए। तो एससी एसटी ओबीसी यानी शूद्र, शूद्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बाकी शूद्र, मतलब ब्राह्मण को छोड़ के क्षत्रिय को छोड़ के वैश्य को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, चाहे जाट है, कुम्हार है, धोबी है, तेली है, तमोली है और बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी वो ताड़ों के अधिकारी हैं। न्यूज में आपका स्वागत है, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ है क्रांतिकारी गायक शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपके, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं और हार्दिक खैर मकदम। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुजन समाज में मनुस्मृति को इतना विरोध क्यों किया जाता है और बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों चलाया? देखिए, बहुजन बोलें तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, अगर इन चारों लोगों को मिला दिया जाए तो बहुजन बनता है। और बहुजन समाज के लोग यानी बहुजन जो लोग हैं वो इसलिए जलाते हैं क्योंकि बहु जो मनुस्मृति है उसमें लिखा हुआ है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारों के ताड़ों के अधिकारी यानी पीटने के दुत्कारने के इसके अधिकारी हैं, यानी इन्हें ऐसे किया जाना चाहिए। तो एससी एसटी ओबीसी यानी शूद्र, शूद्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बाकी शूद्र, मतलब ब्राह्मण को छोड़ के क्षत्रिय को छोड़ के वैश्य को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, चाहे जाट है, कुम्हार है, धोबी है, तेली है, तमोली है और बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी वो ताड़ों के अधिकारी हैं। लेकिन जब तक हम नहीं पढ़े लिखे थे तो हमें पता था, हम भी करते थे कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़ों के अधिकारी, हम भी गाते थे। लेकिन जब हमारा एक मसीहा पढ़ लिख गया और उसने हमें बताया कि अरे इसमें तुम्हारी ही बुराई लिखी है, मैंने कहा, हमने जब पढ़ा, हमारे मसीहा ने हमें बताया और हमारे मसीहा ने जब उसको जलाया आज ही के दिन, तो हमने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमने पढ़ा और पढ़ लिखने के बाद जो हमने उस चीज़ को पढ़ा तो हमने भी उसका विरोध कर दिया और फिर हमने इसको उत्सव बना लिया कि उत्सव होना चाहिए कि आज के दिन हमारे बाबा साहब ने ऐसे संविधान को, ऐसे जो गंदी किताब है, गंदी मानसिकता भरी किताब को बाबा साहब ने जलाया, तो इस पर तो उत्सव होना चाहिए। तो आज हमारे लोगों ने बहुत उत्सव मचाया, उत्सव मनाते हैं ये लोग, तो इसलिए हम उत्सव मनाते हैं उस ग्रंथ को जलाने के लिए, उसको बाबा साहब ने जलाया इसलिए हम उत्सव मना रहे हैं। पौधों का ये एक मेला टाइप का है और इसको बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए कि हमारे बाबा साहब ने उस ग्रंथ को जलाया और हमें एक नया ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म और भारतीय संविधान दिया। भारतीय संविधान जिस पर देश चलता है और बुद्ध और उनका धम्म जिस पर हमारी नैतिकता, हमारी मानवता, हमारा करैक्टर, हमारी जो इंसानियत है वो चलती है। इसलिए हम आज के दिन को बड़े हर्ष के साथ मनाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, अंगीकृत करते हैं। इसलिए हम मनुस्मृति दहन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।